हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दिस सर्विस वीडियो सो कल है फ्राइडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है कहाँ पे है बाइंग जोन्स कहाँ पे हैं सेलिंग जोन्स सब कुछ कल जो भी मैं ट्रेड लूंगा आपको हमेशा की तरह इस वीडियो में एक दिन पहले बता दूंगा अगर आप फॉलो करें तो आपको पता ये चीज़ ठीक है सो so, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसी के बेस पे कल मैं अपने ट्रेड्स लूंगा राइट तो ध्यान से देखना इस वीडियो को तो कल का प्लान जो भी है उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था मार्केट में तो आई होप कि कल मैंने जो आपको ये वीडियो दी थी कल शाम को मैंने आपको ये वीडियो अपलोड करके दी थी एंड ये वाली राइट अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी तो आज जो भी इसके बेस पर ट्रेड बने थे बहुत ही अच्छा तगड़ा वाला प्रॉफिट हमें देखने को मिला तो आई होप अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो हमारे आपने ये ट्रेड कैप्चर किया होगा पहला ट्रेड बना था मार्केट के ओपन होते ही निफ्टी में जो मैंने आपको ट्रेड बताया था इस लेवल पे मैंने सिंपली बोला था हमें पुट का ट्रेड लेना है जैसे एक रेड कैनल बनाएगा मार्केट यहाँ पे आके मार्केट ने आया आके एक रेड कैनल बनाई हमारी यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छे से और नेक्स्ट ही कैंडल में एक ही झटके में एक ही कैंडल ने दो मिनट में बस हमें टारगेट मिल गया इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट उसके बाद इसमें इस वाला ट्रेड में, में मेरा जो है तेरह सौ का पर लॉट प्रॉफिट हुआ था आई होप आपका भी इसके आसपास ही रहा होगा बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया इसने और जिसने ट्रेल किया होगा तो थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा मार्केट ने दे दिया होगा बट ट्रेल करने की जरूरत नहीं पड़ी एनीवेज उसके बाद बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये ट्रेड बताया था इस लेवल के ब्रेकआउट पे कॉल का ट्रेड लेना था मैंने यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री बनाई थी राइट और फर्स्ट टारगेट ये था हमारा फाइनल टारगेट हमारा ये था एटी परसेंट लॉट्स यहाँ पर हमने बुक कर लिए थे फर्स्ट टारगेट मार्केट ने दे दिया था क्योंकि एटी परसेंट लॉट्स इस कैंडल के यहाँ पर आते ही बुक किया एंड बाकी ट्वेंटी का स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के ट्रेल कर रहे थे बट मार्केट पूरा साइडवेज हो गया कहीं नहीं गया तो हमने वहाँ पे एग्जिट मार दिया तो यहाँ तक जिन्होंने भी प्रॉफिट कैप्चर किया है आठ सौ पर लॉट का मेरा प्रॉफिट दिख रहा है मतलब सात सौ कुछ रुपए है समथिंग 90 अराउंड मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है आठ सौ तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ आठ सौ रुपए का पर लॉट आपका भी आई होप इसके आसपास रहा होगा ठीक है उसके बाद देखो मैंने आपको ना एक चीज बताई हुई थी कि अगर ये कॉल का ट्रेड बनाएगा मार्केट तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा मार्केट थोड़ा सा ये ये मार्केट का ये जो साइडवेज बिहेवियर है यहां पे मैंने आपको कल बताया था कि अगर कॉल का ट्रेड बनाएगा ना मार्केट यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा मार्केट थोड़ा सा यहां पे फंसने की कोशिश करेगा राइट एंड अगर पुट का ट्रेड बनाता तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता तो ये चीज मैंने आपको एक दिन पहले बता भी दी थी आई होप आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखी हुई एनीवेज सो so, कल अगर आपने वीडियो देखी है तो ये दो ट्रेड्स बने हैं दोनों में से जो आपने लिया दोनों लिए जो भी रहा आपका प्रॉफिटेबल रहा इसके अलावा कोई और तीसरा ट्रेड बना ही नहीं जिसमें आपका लॉस हुआ खाली प्रॉफिट वाला ही हुआ था नाउ लेट्स डिस्कस कि कल का क्या रहेगा प्लान सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के देखो निफ्टी में हमारे पास ये लेवल्स हैं अब इन लेवल्स के बीच पे कैसे ट्रेड लेना है क्या मेरा रहेगा प्लान एक बार डिस्कस करते हैं फटाफट देखो यहां पर सबसे पहला जो अपना ट्रेड बनेगा थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं ये लेवल ठीक है सबसे पहला जो हमारा यहां पे ट्रेड बनेगा वो है ये लेवल दिस लेवल इज नाइन्टीन थाउजेंड एट डबल सेवन सेम यही वाला जस्ट जो आज हमें ट्रेड बिना था ना वही सेम ट्रेड हमारा यहां पे भी बनेगा आज अगेन वही सेम ट्रेड बन सकता है नाइन्टीन थाउजेंड एट डबल सेवन पे अगर निफ्टी यहां पे आएगा और रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बनाए तो हम यहां पर अगेन पुट का ट्रेड ले सकते हैं जिसका टारगेट हम यहां तक का रख सकते हैं बड़े आराम से ये वाला ट्रेड अगर मान लो यहां पे रिजेक्शन लेके रेड कैंडल नहीं बनाता है मार्केट क्या करता है इस लेवल के नीचे ओपन तो होता है बट बिना रिजेक्शन लिए इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है कैंडल अगर इस, इस, इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम कॉल का ट्रेड निकलेंगे हम वेट करेंगे मार्केट के वापस नीचे आने का वेट करेंगे और जैसे ही नीचे आके कैंडल फिर से क्लोज हो जाएगी यहां पर तो हम यहां पर अगेन पुट बाय कर सकते हैं जिसका फर्स्ट टारगेट फर्स्ट नहीं फाइनल टारगेट जो है हमारा ये लेवल रहेगा सो एंट्री पॉइंट वाला जो लेवल है नाइनटीन और जो टारगेट है नाइनटीन एट का लेवल है तो ये हमारा पहला ट्रेड बनेगा अगर मान लो मार्केट ना इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाए ये जो मैंने आपको अभी लेवल बताया ये लेवल नाइनटीन थाउजेंड एट डबल सेवन अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन हो जाए कहीं भी इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे इस लेवल पे आने का वेट करेंगे और ही निफ्टी इस लेवल पे आके सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए तो हम यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा फर्स्ट टारगेट है नाइनटीन थाउजेंड नाइन डबल टू फाइनल टारगेट है नाइनटीन थाउजेंड नाइन सेवन जीरो का ठीक है ये हमारा ट्रेड है अच्छा जो फर्स्ट टारगेट होता है सिंपली यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि मैं अपना एटी परसेंट जो क्वांटिटी है ना यहाँ पे मैं बुक कर लूंगा प्रॉफिट बुक कर लूँगा फर्स्ट टारगेट पे एंड ट्वेंटी परसेंट फाइनल टारगेट के लिए मैं ट्रेल करूंगा स्टॉप लॉस अपना एंट्री पे लगा के ये मेरा जितने भी ट्रेड्स बताऊंगा सब में फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट का यही मतलब होगा अगर आप कम लॉट से ट्रेड करने वाले हो तो आपको तो यहीं तक का ही प्रॉफिट बुक करना है उसके आगे बिल्कुल भी नहीं जाना है सिंपली आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉक करके एग्जिट कर देना ट्रेड ठीक है तो so, सारे ट्रेड्स में फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट का ये मतलब रहेगा अगर मार्केट इस तरीके से सपोर्ट ले ग्रीन कैंडल बनाएगा तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे बट क्या होगा अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन होकर नाइनटीन थाउजेंड अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है एंड इस लेवल पे आके सपोर्ट ना ले मार्केट ना नीचे ब्रेक कर दे नीचे आके कैंडल अगर क्लोज हो जाए हमारे इस लेवल के नीचे हम वेट करेंगे वापस ऊपर आने का पुट का ट्रेड नहीं बाय करेंगे पुट नहीं बाय करेंगे हम यहाँ पे इस लेवल पे हम नीचे ब्रेकआउट पे पुट बाय नहीं करेंगे हम वापस ऊपर आने का वेट करेंगे जैसे ही मार्केट ऊपर आए और वापस कैंडल ऊपर आके क्लोज हो जाए इस लेवल के ऊपर तो हम यहां पे कॉल बाय करेंगे जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा अगेन ठीक है तो ये एक ट्रेड बनेगा नाउ एक छोटा सा हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं देखो ये वाला एक छोटा सा ट्रेड बना सकते हैं एक ये लेवल है हमारे पास नाइनटीन का लेवल तो अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल को ऊपर अगर ब्रेकआउट दे दे इस लेवल के अगर ऊपर ब्रेकआउट हो जाए तो हम यहाँ पे इस पॉइंट uh, पे कॉल बाय कर सकते हैं जिसका टारगेट हम यहाँ तक का बना सकते हैं फाइनल टारगेट नाइनटीन थाउजेंड एट डबल सेवन का बट ये एक स्कैल्प ट्रेड है स्केल्प ट्रेड का मतलब क्या है कि आपको पूरा टारगेट इसमें नहीं मिलेगा चांसेस ये हैं कि इसमें अगर इसमें 400-500 रुपए तक का प्रॉफिट आपको दिखे आप एग्जिट मार देना इस ट्रेड में पूरा टारगेट मत लेना दिस इज गोइंग टू बी अ स्कैल्प ट्रेड यहां पे इस वाले ट्रेड में आपको पूरे टारगेट का वेट नहीं करना है यहां पे जब आप एंट्री लोगे और कोशिश करना कि जितना इस लेवल के पास में क्लोज जो अपनी एंट्री मिले उतना आप पास में एंट्री लो और यहाँ पे जो टारगेट है पूरा टारगेट का वेट नहीं करेंगे चार सौ रुपये का साढ़े चार सौ रुपए का मैक्सिमम पाँच सौ रुपए प्रॉफिट देखे आप लेके निकल जाओ ठीक है एक लॉट से पर लॉट चार सौ रुपए के आसपास का प्रॉफिट देखे आप लेके निकल जाओ उससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना है या फिर मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाए नाइनटीन थाउजेंड अगर मान लो ऊपर यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो अगर यहाँ पर आएगा तो हमारा पुट का ट्रेड बन रहा है राइट वो मैंने आपको बता दिया पहले बट अगर वो नहीं करता है मार्केट ऊपर ओपन होकर एंड इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट ले या फिर नीचे आके वापस ऊपर आए तो मतलब यहाँ पे कॉल बाय करने का प्लान कर सकते हैं बट एक एक् ट्रेड लेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट हम नहीं कैप्चर करेंगे या फिर आप इस ट्रेड को सिंपली इग्नोर भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो ये इसलिए है कि अगर मार्केट कल मूव ना करे मूव ना आए मार्केट में तो छोटा मोटा हम ट्रेड बना सकते हैं तो उसके लिए मैंने आपको ये ट्रेड बता दिया ट्रेड हम करेंगे ये वाला ठीक है नाउ लेट्स डिस्कस कि नीचे कौन से हमारे पुट के ट्रेड्स बन रहे हैं तो देखो नीचे अपने पास ना ये लेवल्स हैं अगर मार्केट ऊपर वाले जोन में इधर मूव करता है कल कर, तो ये सारे ट्रेड हमारे रहेंगे बट अगर मान लो नीचे मूव करता है कल कर मार्केट तो उस केस में हमारे कौन से ट्रेड रहेंगे वो डिस्कस करते हैं तो उस केस में हमारा जो पहला लेवल है ये वाला लेवल नाइनटीन का लेवल है तो अगर मार्केट साइडवेज ओपन होके इस लेवल के नीचे अगर आके और ब्रेकआउट दे दे हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं फिर जिसका फर्स्ट टारगेट हम ये लेवल रखेंगे और फाइनल टारगेट रखेंगे हम ये लेवल 19,753 का फर्स्ट टारगेट है 19,713 का फाइनल टारगेट है राइट right? और अगर मान लो मार्केट इस लेवल के 19,789 अगर इस लेवल के नीचे पहले ही ओपन हो जाए गैप डाउन ओपन हो जाए उस केस में हम क्या करेंगे कहीं भी मार्केट ओपन हो हमें इस लेवल पे आने का वेट करना है इस लेवल पे आके रिजेक्शन लेता है मार्केट अगर और एक रेड कैंडल बनाता है रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बनाता है हम यहां पे पुट बाय कर सकते हैं जिसका अगेन फर्स्ट टारगेट और ये आपका फाइनल टारगेट रहेगा ठीक है और अगर मान लो गैप डाउन ओपन होने के बाद इस तरीके से मार्केट रिजेक्शन ना ले तो क्या कर सकता है मार्केट हो सकता है मार्केट कहीं भी ओपन हो नीचे और इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए हम क्या करेंगे कॉल बाय नहीं करेंगे वेट करेंगे वापस नीचे आने का और जैसे ही नीचे आके कैंडल क्लोज होती है हम यहाँ पे सिंपली पुट बाय करेंगे जिसका फर्स्ट टारगेट ये और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा ठीक है सिंपली हमें इस लेवल के इस लेवल पे पुट बाय करना है कॉल बाय करने का यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे तो ये है हमारा जो एक ट्रेड है अच्छा अगर मान लो ये ट्रेड नहीं बनता है तो एक और फाइनल ट्रेड हमारा बन सकता है मान लो कि मार्केट ना सब कुछ करके मार्केट नीचे ही ज्यादा ही नीचे हो जाए आ जाए ये ट्रेड हमें मिले ही ना अगर इस पॉइंट पे तो उस केस में क्या करें मतलब ये ट्रेड मिल गया बहुत अच्छी बात है बट नहीं मिलता अगर तो उस केस में फिर हमारा ये लेवल कम आएगा ये लेवल कम आएगा नाइनटीन का लेवल तो अगर इससे पहले जो भी ट्रेड बताएं वो मिल गया बहुत अच्छी बात है अगर नहीं मिलता तो फिर इस लेवल पर क्या करना है मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर ओपन होता है और इस लेवल पर आता है इस लेवल को नीचे अगर ब्रेकआउट देता है कैंडल अगर नीचे आके क्लोज हो जाती है हम पुट बाय नहीं करेंगे हम वेट करेंगे वापस इस लेवल के ऊपर आने का और जैसी मार्केट वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे देगा हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा हमारा सेकेंड टारगेट ठीक है नाइनटीन फर्स्ट टारगेट है एंड नाइनटीन फाइनल टारगेट है ठीक है ये हमारे निफ्टी के ट्रेड्स नाउ लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में हमारे कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं कल के लिए देखो बैंक निफ्टी में जो पहला ट्रेड हमारा बन रहा है एक बार ऊपर चलते हैं हमारे ये लेवल्स हैं सॉरी ओके सो हमारा जो पहला ट्रेड बनेगा इसमें ये बनेगा इस लेवल पे सो so, ये हमारे पास लेवल है फोर थ्री फोर्टी थ्री थाउजेंड एट फोर सेवन ये वाला लेवल फोर्टी थ्री थाउजेंड एट फोर सेवन का लेवल है मार्केट कहीं भी इस लेवल के नीचे ओपन होता है और इस लेवल पे अगर आता है और मार्केट यहां पे आके एक रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल अगर बनाता है हम यहां पे पुट बाय कर सकते हैं जिसका फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम ये लेवल एंड फाइनल टारगेट रखेंगे हम ये लेवल फर्स्ट टारगेट है फोर्टी फाइनल टारगेट है फोर्टी ठीक है और अगर मार्केट इस तरीके से रिजेक्शन ना ले इस लेवल पे इस लेवल पे मार्केट क्या करता है ये हमारा जो लेवल है 43847 अगर मान लो यहां पे रिजेक्शन लेके एक रेड कनर बनाए तो पुट कट रेड ले लेंगे बट अगर मान लो मार्केट इस पे रिजेक्शन ना ले इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे दे कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए तो हम क्या करेंगे कॉल बाय नहीं करेंगे वेट करेंगे मार्केट के वापस नीचे आने का और इस लेवल के नीचे आके फिर से क्लोजिंग देने का तो यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे अगेन जिसका फर्स्ट टारगेट ये एंड फाइनल टारगेट ये रहेगा सिंपली हमें इस लेवल पे पुट बाय करने का प्लान करना है कॉल बाय करने का प्लान नहीं करना है उसके बाद नीचे की साइड में कौन से ट्रेड बन रहे हैं देखो नीचे की साइड में हमारे पास ये लेवल्स हैं नीचे की साइड में हमारे पास ये सारे लेवल्स हैं इनको कैसे यूज़ करना है फटाफट डिस्कस करते हैं देखो सबसे पहला जो ट्रेड हमारा जो यहाँ पे जो बनेगा ये वाला लेवल देखो ये लेवल है अपने पास फोर थ्री फाइव ज़ीरो फोर का लेवल तो फोर थ्री नहीं ये वाला लेवल नहीं है इस लेवल पे हम नहीं करेंगे सॉरी थोड़ा सा और नीचे आते हैं ये लेवल है ठीक है उस लेवल पर हम कुछ नहीं करेंगे हमारे पास ये लेवल है फोर थ्री फोर वन फोर का लेवल तो इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और इस लेवल के नीचे आके अगर क्लोजिंग दे दे इस लेवल के नीचे अगर आके क्लोजिंग देता है हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल और फाइनल टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल फर्स्ट टारगेट है फोर थ्री थ्री टू फाइव एंड फाइनल टारगेट है फोर थ्री टू थ्री टू राइट right? ये हमारा फाइनल टारगेट है अच्छा ध्यान रखना कि अगर आपको ब्रेकआउट कौन सा ब्रेकआउट सही होता है किस तरीके का ब्रेकआउट सही होता है आपको ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग रीटेस्ट वगैरह इन जैसी चीज़ों का अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको आप ट्रेड नहीं ले पाओगे इस वीडियो के बेस पे सिंपली थोड़ी बहुत प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए ब्रेकआउट कौन सा सही होता है नहीं होता है या फिर आप कुछ मेरी वीडियोस देख लो पुरानी जिसमें आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के ब्रेकआउट्स हमें कंसिडर करने चाहिए नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर ब्रेकआउट हमें कंसिडर करना होता है आपको पता है अगर आप फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अगर आप इस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने वाले हो ठीक है ध्यान रखना इस बात का अगर मान लो इस लेवल के नीचे पहले से ही ओपन हो जाएगा एपडाउन फोर थ्री 414 के नीचे पहले से ही अगर मार्केट ओपन हो जाए बैंक निफ्टी तो इस लेवल पे आके मार्केट ऊपर ब्रेकआउट अगर देता है और कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाती है वापिस हम नीचे आने का वेट करेंगे जैसे नीचे आके कैंडल क्लोज होगी हम यहां पे पुट बाय कर सकते हैं जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा हमारा फाइनल टारगेट ठीक है फोर थ्री थ्री टू फाइव फोर थ्री टू थ्री टू यही सेम लेवल्स से हैं अच्छा यही सेम काम हमें ना ये करना है अगर मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो वैसे तो शायद चांसेस कम है पर अगर मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो भी जाता है तो यही सेम काम हम इस लेवल पे करेंगे जो मैंने आपको अभी इस लेवल के लिए बताया था इस लेवल के लिए जो मैंने आपको बताया अगर ये ट्रेड मिल गया बहुत अच्छी बात है बट अगर मान लो बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाए जिसके चांसेस कम है तो यही सेम चीज़ रिपीट करेंगे हम इस लेवल के लिए जो मैंने आपको बताया सिंपली हमें इस लेवल पर वही सेम चीज करनी है और यहाँ पे हमें जो है इस ये मतलब ये वाला एंट्री पॉइंट हो जाएगा ये अपना सेलिंग जोन है मतलब ये लेवल अपना सेलिंग जोन है ये फर्स्ट टारगेट है और ये फाइनल टारगेट है फोर थ्री टू थ्री टू फोर थ्री वन डबल ज़ीरो फोर टू नाइन सिक्स टू ठीक है यही सेम काम आपको इस पर भी करना है तो ये है प्लान मेक श्योर कि अगर आप इस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने वाले हो मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो आप इस वीडियो के बेस पर बिल्कुल भी ट्रेड मत लेना टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में मैं कब क्या कर रहा हूँ कौन से ट्रेड में कितना मैं टारगेट कहाँ पे बुक कर रहा हूँ वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे दैट्स तो टोटली फ्री ऐसा कुछ नहीं कि वो टेलीग्राम चैनल पेड है मेरा कोई टेलीग्राम चैनल या कुछ भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है जहाँ पर मैं आपको ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ आप लोग प्लीज़ मेरे को मैसेज करना बंद करो ठीक है कि प्राइवेट ग्रुप है कि नहीं है मेरा कोई प्राइवेट ग्रुप नहीं है भाई जो भी ट्रेड्स होते हैं मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बता देता हूं यहां पे आप इसको लेके फॉलो कर सकते हो मेरा मैं ट्रेड्स के लिए पैसे बिल्कुल नहीं लेता हूं हाँ अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस लाइव क्लासेस होती हैं गूगल मीट पे वो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे वेबसाइट पर जाके लेकिन कोई प्राइवेट चैनल नहीं है मैं फ्री में जब आपको यहाँ पर ट्रेड दे रहा हूँ तो प्राइवेट चैनल के पीछे क्यों भाग रहे हो दूसरी चीज़ दूसरी चीज यह कि आप लोग आ, देखो आप लोग बोलते हो कि जब मैं ट्रेड लेता हूं तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूं यार एक दिन पहले मैं आपको यहां पे वीडियोस में क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें ताकि लाइव मार्केट में जब वो ट्रेड बने तो मैं भी अपना तसल्ली से ट्रेड कर पाऊं और आप भी अपना तसली से ट्रेड कर पाओ एक दिन पहले मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं तो क्योंकि लाइव मार्केट में जब कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और हमारी एंट्री बनी ना तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके फटाफट अपडेट कि देखो मैं यहां पे ट्रेड ले रहा हूं राइट ये सब चीजें नहीं होती अब जैसे निफ्टी का ट्रेड बना ये वाला निफ्टी का ट्रेड बनाया मार्केट ने कैंडल क्लोज हुई हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है अब मैं यहाँ पे शॉर्ट टूट लगाऊंगा लॉन्ग टूर लगाऊंगा फिर आपको दूंगा कि देखो मेरा ये ट्रेड मैं ये ले रहा हूँ इतना करते करते मैं ट्रेड कब लूंगा भाई मुझे स्ट्राइक प्राइस अपना सेलेक्ट करना होता कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है एंट्री पॉइंट मुझे देखना होता कि कब मैं एंट्री करूँ ट्रेड में थोड़ा वेट करना पड़ता है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में करूंगा या आपको बताऊँगा ये बात ये बात सोचो तो ये चीज़ें फालतू की चीज़ें मत करा करो सिंपली मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बता रहा हूँ एक दिन पहले नेक्स्ट डे मैं वही सारा ट्रेड लेता हूँ बस हमें एंट्री का ध्यान रखना होता है सारी चीज़ें का वो थोड़ा बहुत सीखो नहीं आ अगर आपको नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा ना आपको आपको खुद से थोड़ी बहुत तो चीज़ें सीखनी पड़ेगी मैं आपको सब कुछ यहाँ पे करके बता रहा हूँ और इतनी एक्यूरेसी आपको कहीं नहीं मिलने वाली कहीं भी देखो एक चीज़ और चलो वो कल वाली वीडियो में खैर मैं बोलूँगा ज़्यादा लंबी नहीं करनी मुझे वीडियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ मिलते हैं कल एंड ऑल द बेस्ट का बाय बाय सी यू